दिल्ली का पॉश इलाका साउथ एवेन्यू, जिसके पड़ोस में माननीय राष्ट्रपति जी का घर और लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन। इस पूरे इलाके में 2400 घंटे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहते हैं। लेकिन साउथ एवेन्यू के इस मकान नंबर 175 के अंदर से जुल्म और सितम की जो कहानी सामने आई है, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घर पिछले कई महीनों से एक नाबालिग घरेलू नौकर और दो नौकरानियों के लिए जुल्म का एक ऐसा पिंजड़ा बन गया था जिससे मरकर ही निजात मिल सकती थी। राखी नाम की नौकरानी की मौत के बाद अब इस घर की मालकिन भाभी जी की इस भयानक दास्तान से पर्दा हटा है। भाभी जी यानी बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह, जिसे इस घर में काम करने वाले नौकर भाभी जी के नाम से बुलाते हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको भाभी जी जागृति सिंह के आतंक की वो भयानक कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। भाभी जी की ये दास्तान ऐसी है जिससे घर के नौकर ही नहीं बल्कि खुद भाभी जी के पति बाहुबली सांसद धनंजय सिंह भी खौफ खाते हैं। मीना को रिकवर किया था, उसको हॉस्पिटलाइज करवाया आरएमएल हॉस्पिटल में। उसका दाहिना हाथ फ्रैक्चर है, उसके हिप पर, दोनों हिप पर उन्होंने आयरन से उसको जलाया हुआ है। दोनों पैर में बहुत बुरी तरह चोट उसको लगी है, उसके सिर के बाल भी कहीं कहीं जले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर अपनी नौकरानी राखी की हत्या और सबूत मिटाने का आरोप है। फिलहाल सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति सिंह पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पुलिस फाइल में दर्ज उनकी दरिंदगी की जो कहानी सामने आई है, उसे सुनकर ही कलेजा कांप जाता है। जो डॉक्टर जागृति है, उनको हरासमेंट करती थी, उनका एक्सप्लोटेशन करती थी और उसके बाद उनकी बीटिंग वगैरह रेगुलरली करती थी। इसके बाद अभी जो लेटेस्ट जो 3 तारीख को काफ़ी उनकी बीटिंग करी उसकी जो मेड थी, और उनको खाना भी नहीं दिया, और उस लड़े जो दूसरा जो सर्वेंट था उनके साथ भी बीटिंग की। बीएसपी सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह यूं तो पेशे से डॉक्टर है, लेकिन उन पर अपनी नौकरानी राखी की हत्या और दूसरी नौकरानी मीना के अलावा एक नाबालिग नौकर को बेहिसाब जख्म देने के संगीन इल्जाम लगे हैं। उनके साथ 3 सर्वेंट थे और तीनों को ही पीटती थी बीच बीच में, और ये सारी नॉलेज एमपी साहब के नॉलेज में थी, धनंजय सिंह साहब के में इनको मालूम चल गया। उसके बावजूद भी पुलिस को लेट इंटीमेशन दिए, रात में इंटीमेशन दिए पुलिस को, तो जागृति से छुटकारा पाने के लिए तलाक लेने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन धनंजय और जागृति की इस दास्तान से पहले सुनिए खुद नाबालिग नौकर की जुबान जागृति भाभी के जुल्मों सितम की वो भयानक कहानी। 1 नवंबर 2013 को भाभी जी का कोई एग्जाम था। उस दिन घर में रेनू नाम की एक गेस्ट भी आई हुई थी, जिसके लिए भाभी जी ने राखी को बेसन का चिल्ला बनाने के लिए कहा था। राखी को चिल्ला बनाने में देर हो गई तो भाभी जी ने राखी को झाड़ू से बहुत मारा और गुस्से में उसके बाल भी काट दिए। चोटों पर कोई दवाई भी नहीं लगाने दी। उसी दिन दोपहर में भाभी जी ने मुझे भी लात और घूंसों से मारा। उन्होंने मेरे निजी अंग पर लात से प्रहार किया। उस दिन के बाद से भाभी जी ने मुझे, मीना और राखी को छोटी छोटी बातों पर मारना पीटना शुरू कर दिया था। जागृति सिंह के नाबालिग नौकर ने पुलिस को यह भी बताया है कि जागृति सिंह घड़ी की सुई के हिसाब से सब लोगों से काम लिया करती थी और जरा सी भी गलती होने पर जूतों, लात और डंडों से नौकरों की पिटाई करती थी। इन जुल्मों सितम की जानकारी सांसद धनंजय सिंह को भी थी, जो खुद भी कभी कभार नौकरों को पीटा करते थे। भाभी जी हमें निश्चित समय देकर काम करने के लिए कहती थी और
काम ना होने पर वो हमें डंडे, लात और घूसों से मारती थी। वो अपने नाखूनों से मेरी गर्दन और गालों को खींचकर नोचती थी और गला दबाती थी। 3-4 दिन पहले भाभी जी ने राखी के कमरे में मेरे मुंह में लोहे की चिटकनी घुसेड़ी थी और उसको मुंह में कई बार घुमा दिया था, जिससे मेरे होंठ कट गए थे, मुंह से खून बहने लगा था। ऐसे तो हम आते जाते रहते थे बहुत दिन से, वो तो पहली बार इन्होंने ऐसे हाथा उठाया मुझ पे। क्या आपको भी मारा? हाँ, मुझे मारा था, चप्पलों से मारा, लात से मारा था। किस लिए मारा था? इसलिए मारा था, मैं नौकर को पीटी, बस इतनी बात हुई थी मेरी और कुछ नहीं। उनका मेरे नौकर को भड़का रहा है बस। यानी आपने शिकायत की थी कि आप नौकरों को क्यों पीटती हैं, इसलिए मारा था? हाँ। तो क्या आमतौर पर ये नौकरों के साथ इसी तरह का बर्ताव करते हैं? डंडे और लोहे की रॉड से नौकरों की पिटाई करना, गर्मा गर्म प्रेस से उन्हें जला देना, घरेलू नौकरों के मुंह में लोहे के चम्मच और चिटकनी तक घुसेड़ देना और जब तक बदन से खून न निकल पड़े तब तक बेरहमी से पिटाई करते रहना। भोली भाली सूरत वाली जागृति सिंह इस कदर बेरहम हो सकती है, ये कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जागृति सिंह की ये पूरी खौफनाक कहानी हम सुनाएंगे आपको आगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए जागृति का पूरा बही खाता। जागृति सिंह बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की दूसरी पत्नी है। उनकी पहली पत्नी मीनाक्षी की साल 2007 में मौत हो गई थी। पुलिस ने उस वक्त उसे आत्महत्या का मामला बताया था। दो साल बाद साल 2009 में धनंजय सिंह बसपा के टिकट से जौनपुर के सांसद चुने गए और अगले ही दिन उन्होंने जागृति सिंह से ब्याह रचा लिया था। सांसद धनंजय सिंह और जागृति सिंह का एक 3 साल का बेटा भी है। गाजियाबाद के संतोष मेडिकल कॉलेज से डेंटिस्ट की पढ़ाई करने वाली जागृति सिंह दिल्ली के मशहूर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दांतों की डॉक्टर है। जागृति के पिता जौनपुर में ग्रामीण विकास एजेंसी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर तैनात थे और यहीं जौनपुर में जागृति की मुलाकात धनंजय सिंह से हुई थी। जागृति सिंह पेशे से डॉक्टर है, लेकिन उनकी राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं भी रही हैं। 2012 में जागृति सिंह विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि एक सांसद की बीवी और डॉक्टरी जैसा पेशा होने के बावजूद जागृति सिंह इतनी हिंसक क्यों हो गई थी? भी ये डराती थी, धमकाती थी या बुरा व्यवहार करती थी तो इनको शायद अंदर से ये फीलिंग आती होगी कि आई एम इन कंट्रोल, मतलब मैं कंट्रोल में हूँ, देखो हर चीज़ मेरे हिसाब से हो रही है, ठीक है। और ये फ्रस्ट्रेशन कि उनके हिसाब से नहीं कई चीज़ें हो रही, वो मेड जो एक वीकर इंसान थी या वीकर सेक्शन है उस पे ही निकाल सकती हैं। तो जो आदमी रिटेलिएट नहीं करता उसी पे ही ये लोग अपना एग्रेशन, अपना घिनौना रूप दिखाते हैं। पुलिस की तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि जागृति के हिंसक व्यवहार से परेशान धनंजय ने पहले उनका खूब इलाज भी करवाया, लेकिन जब हालात नहीं सुधरे तो तंग आकर धनंजय ने जागृति से तलाक लेने का फैसला कर लिया और उन्होंने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी भी लगा दी थी। धनंजय सिंह और उनकी बीवी जागृति सिंह के बीच होने वाले तलाक के कागजात हैं ये, डाइवोर्स पिटीशन है ये, जो कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में लगाई गई थी। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि शादी के कुछ साल बाद से ही जागृति सिंह जो है धनंजय सिंह के साथ गाली गलौज का बर्ताव करती थी, अब्यूज करती थी, उनका स्वभाव जो है बेहद उग्र हो गया था, ना सिर्फ धनंजय सिंह के प्रति बल्कि घर में काम करने वाले नौकरों के प्रति। जागृति की एक और नौकरानी मीना के मुताबिक जागृति ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे, वो बाथरूम के कैमरे की तस्वीरें भी अपनी मोबाइल पर देखती थी। पुलिस अब जागृति पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी पोस्को लगाने की तैयारी में है। पुलिस का कहना है कि उसके पास धनंजय सिंह के खिलाफ भी सबूत मिटाने के पुख्ता सबूत हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे धनंजय सिंह की पूरी और सच्ची कहानी। पूर्वांचल के बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पहचान आज भले ही एक सांसद के तौर पर होती है, लेकिन 90 के दशक में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में
धनंजय ठाकुरों के डॉन के तौर पर बदनाम था। उस दौर में वाराणसी का गैंगस्टर ब्रजेश सिंह पुलिस से भागता फिर रहा था और गोरखपुर के आसपास कई बदमाश गैंग तबाह हो चुके थे। ऐसे में इस इलाके में अपराध की दुनिया में तेजी से चमका था धनंजय सिंह का सितारा। पुलिस के रिकॉर्ड गवाह है कि किस तरह सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ दर्जनों आपराधिक केस दर्ज हुए हैं। लेकिन धनंजय सिंह के नाबालिग नौकर के मुताबिक खुद धनंजय भी अपनी पत्नी जागृति से बेहद खौफ खाता है। हिस्ट्री शीटर रहे सांसद धनंजय के अपराध की इस कहानी से पहले सुनी जागृति की बेरहमी की ये खौफनाक दास्तान। एक नवंबर 2013 को भाभी जी ने राखी को गुस्से में आकर लातों और डंडों से बहुत मारा था। भाभी जी ने मेरे सामने एमपी साहब को फोन भी किया था कि वो राखी को उसकी गलतियों के लिए जान से मार देगी। 2 नवंबर को भाभी जी का बेटा स्कूल चला गया और उन्होंने मुझे, मीना और राखी को दोपहर तक साफ सफाई का काम बताया। इसके बाद सुबह करीब 9:30 बजे वो आरएमएल अस्पताल अपनी ड्यूटी पर चली गई। शाम को जब वो घर लौटी तो उन्होंने देखा कि चोट की वजह से राखी धीरे धीरे काम कर रही है। इस पर उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो राखी को डंडे मार मार कर काम कराती रही। अगले दिन सुबह जागृति सिंह जब राखी को उठाने के लिए गई तो राखी नहीं उठी। गुस्से में उन्होंने राखी की छाती पर लातें मारी। जागृति सिंह के नाबालिग नौकर के मुताबिक 3 नवंबर को राखी नौकरानी को काम ना करने की वजह से जागृति सिंह ने खूब पीटा और रात में भी उसकी जमकर पिटाई की गई। नौकर के मुताबिक 3 नवंबर की वो रात बेहद डरावनी रात थी और वो भी पूरी रात अपनी मालकिन जागृति सिंह के डर से थर थर कांपता रहा और जब वो सुबह सोकर उठा तब तक राखी की मौत हो चुकी थी। नौकरानी राखी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर लगी चोट को ही उसकी मौत की वजह बताया गया है। तेज धारदार हथियार की चोट, जलाए जाने के घाव के साथ उसके पूरे शरीर पर गुमचोटों के निशान भी पाए गए। अब आगे कहानी गैंगस्टर से सांसद बने धनंजय सिंह की कि वो कैसे मरकर दोबारा हो गया था जिंदा। यूपी के भदोही में 1998 में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश धनंजय सिंह मारा गया था। पुलिस रिकॉर्ड में यही बात दर्ज है, लेकिन महज 4 महीनों बाद ही धनंजय फिर से जिंदा होकर दुनिया के सामने आ गया। दरअसल ये पूरा एनकाउंटर ही फर्जी था और फिर धीरे धीरे डॉन धनंजय बन गया आज का सांसद धनंजय सिंह। कोलकाता टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक पुलिस रिकॉर्ड में धनंजय सिंह 1998 के आसपास हत्या और डकैती के 12 आरोपों के साथ नामी बदमाश हुआ करता था, लेकिन साल 2002 में जब धनंजय लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरा तो उसके बाद उसकी पूरी पहचान ही बदल गई। धनंजय समाजवादी पार्टी सरकार के मंत्री श्रीराम यादव को हराकर पहली बार विधायक बना था। 2007 में धनंजय ने जेडीयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता और 2008 में वो बीएसपी में शामिल हो गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में धनंजय को बीएसपी ने जौनपुर से टिकट दिया और वो ये चुनाव जीत भी गया। इस तरह एक नामी बदमाश धनंजय बन गया सांसद धनंजय सिंह। जो लोग गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं वो लोग राजनीति को आके गलत दिशा दे रहे हैं और राजनीति की परिभाषा को दूषित कर रहे हैं। कम से कम जो लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि से वही लोग राजनीति में आए तो बेहतर। साधु संत हैं वो, साधु संतों की परंपराओं को जीवित रख के, हमारे यहाँ साधु संतों को बड़े सम्मान से, बड़े आदरणीय भाव से देखा जाता है। किसी मठों में तो ज्यादा। धनंजय सिंह के बढ़ते राजनीतिक रसूख के साथ उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में भी कमी आती चली गई, लेकिन एक बार फिर वो अपनी पत्नी जागृति सिंह के नौकरों पर जुल्म सितम की वजह से जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है।